सो दिस इज़ अबाउट सोलास चैप्टर 12 रेगुलेशन नंबर 14, जिसमें रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम सेलिंग विथ एन एम्प्टी होल्ड दिया हुआ है। तो इसमें एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है कि मतलब वॉट इज़ देयर। तो इसमें लिखा हुआ है बल्क कैरियर ऑफ 150 मीटर इन लेंथ एंड अपवर्ड ऑफ अ सिंगल साइड स्किन कंस्ट्रक्शन। मतलब ये सिंगल हल टैंकर्स के लिए, 150 मीटर इन लेंथ वालों के लिए। कैरिंग कार्गो हैविंग अ डेंसिटी ऑफ 1780 kg/m³ एंड अबाव। तो इसमें ये बोल के रखा है कि सिंगल हल 150 मीटर और मोर, और जो कि हैवी डेंसिटी कार्गो ले जा रहे हैं। इफ़ नॉट मीटिंग द रिक्वायरमेंट फॉर विदस्टैंडिंग फ्लडिंग ऑफ एनी वन कार्गो होल्ड एज स्पेसिफाइड इन रेगुलेशन 5.1 एंड द स्टैंडर्ड्स एंड द क्राइटेरिया फॉर साइड स्ट्रक्चर ऑफ द बल्क कैरियर्स of the single side skin construction adopted by the organization by the resolution number MSC, that is Maritime Safety Committee 169 on the 17th sitting, as may be amended by the organization, provided bought in force, taken into action, ये सब क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है, दिस कंसिस्ट टिल हियर, कि यहाँ तक अपना चैप्टर वन एनेक्स वन तक ये वाला लिखा हुआ है। तो मतलब देर आर टू पॉइंट्स, वन एंड टू। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, सिंगल साइड हल, ओके। तो हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो है सिंगल साइड स्किन, ये देन 150 मीटर्स इन लेंथ, देन 1780 ये केजीज में है, दिस वन। तो इसमें लिखा क्या हुआ है, दैट आई वांट टू टेल, कि सबसे पहले सिंगल हल कैरियर, दैट इज सिंगल हल वेसल, 150 मीटर मोर इन लेंथ, और डेंसिटी जो है 1780 है। तो हैवी डेंसिटी कार्गो को सिंगल हल जो अपना बल कैरियर है, जो कि 150 मीटर से ज़्यादा का हो या उसने का हो, लेंथ एंड अपवर्ड 150 मीटर या उससे बड़ा हो, सिंगल हल बल कैरियर जो हैवी डेंसिटी कार को कैरी कर सकता है, कब कैरी कर सकता है या कब नहीं कैरी कर सकता, असल में इसमें लिखा है इफ़ नॉट मेट, तो मतलब कब कैरी नहीं कर सकता, वो उस टाइम कैरी नहीं कर सकता है कि वो अगर विथस्टैंड ना करे, जो कि रेगुलेशन नंबर 5.1 में लिखा हुआ है। तो 5.1 में क्या लिखा हुआ है कि एनी वन कंपार्टमेंट, दैट आई विल ऑल्सो शो यू, कि एनी वन कंपार्टमेंट, दैट इज एनी वन होल्ड, इफ़ इट इज़ ब्रीच्ड एंड इट कैन नॉट विथस्टैंड द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का मतलब कि वेसल कैन नॉट फ्लोट, तो इट इज़ सिंपल, एक 150 मीटर या उससे अपवर्ड का या उससे बड़ा बल्क कैरियर है जो कि सिंगल कंस्ट्रक्टेड है और जो कि बल हैवी डेंसिटी कार्गो नहीं लोड कर सकता है सिर्फ एक कंडीशन में। वो कंडीशन क्या है कि अगर उसका होल्ड टूट गया और वो विथस्टैंड ना कर पाए। सो दिस वन, इसको दूसरी लैंग्वेज में भी थोड़ा सा बता देता हूँ, मे बी दिस इज़ कन्फ्यूजिंग, कि जो सिंगल हल बल कैरियर है 150 मीटर या उससे बड़ी उसकी जो लेंथ है, वो हैवी डेंसिटी कार्गो उसी टाइम लोड कर सकता है जब उसका कोई भी होल्ड, चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी होल्ड हो, कोई भी एक होल्ड अगर टूट गया, उसके अंदर पानी चला गया, तो भी वो विथस्टैंड कर जाएगा, तभी वो ऑल्टरनेट होल्ड लोडिंग कर सकता है। अगर वो इस क्राइटेरिया को मीट नहीं करता है तो इट कैन नॉट होल्ड दैट वन। इससे पहले एक 1996 का क्राइटेरिया था, उसमें ये लिखा होता कि सिर्फ फॉरवर्ड होल्ड के लिए, मतलब होल्ड नंबर वन, तो होल्ड नंबर वन अगर ब्रीच हो गया तो भी वो विथस्टैंड कर जाए स्टेबिलिटी को, तब वो अल्टरनेट होल्ड लोडिंग कर सकता है, अदरवाइज इट कैन नॉट। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि बल्क कैरियर 150 मीटर और मोर उससे बड़ा है, जो कि हैवी डेंसिटी कार्गो लोड कर सकता है, इफ़ उसका कोई भी होल्ड टूट जाए और वो फ्लोट करे, तब वो कर सकता है। अगर
इस क्राइटेरिया, ये फ्लोटिंग वाले क्राइटेरिया को, मतलब कोई भी एक होल्ड टूट जाए और वो फ्लोट नहीं कर सकता है तो वो ऑल्टरनेट होल्ड लोडिंग नहीं कर सकता है। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है इसमें, अनदर एनेक्स अदर देन चैप्टर वन शैल नॉट सेल विथ एनी होल्ड लोडेड टू लेस देन 10% ऑफ द होल्ड मैक्सिमम अलाउबल कार्गो वेट एंड इन द फुल लोडिंग कंडीशन आफ्टर रीचिंग 10 ईयर्स ऑफ एज। द एप्लीकेबल फुल लोड कंडीशन फॉर द रेगुलेशन इज अ लोड इक्वल टू और ग्रेटर देन 90% ऑफ द शिप्स डेड वेट एट द रेलिवेंट। ये वाला तो इसमें ये लिखा हुआ है कि ये भी सिंगल हल के लिए ही है कि टेकन इंटू अकाउंट विथ आर्टिकल 8 प्रेजेंट कन्वेंशन कंसर्निंग द अमेंडमेंट प्रोसीजर एंड एप्लीकेबल टू द एनेक्स अदर देन चैप्टर वन। तो इसमें कहा है कि सिंगल हल है, ठीक है, सिंगल हल अपना बल्क कैरियर है एंड उसमें होल्ड लोडेड टू लेस देन 10% ऑफ द होल्ड मैक्सिमम अलाउबल। अगर वो फर्स्ट वाला क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा है, वो फ्लडिंग वाला मीट नहीं कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वॉट इट शैल डू, इट शैल नॉट सेल, वो सेल नहीं कर सकता, या इट शैल नॉट सेल, या वो क्या कर सकता, वही मैं बता देता हूँ क्योंकि इस लैंग्वेज में बोलूँगा तो इट विल बी समथिंग डिफिकल्ट ऑल्सो। तो वॉट इट शैल डू कि वो 10% से कम अपने होल्ड में नहीं रख सकता। ईच होल्ड शैल बी लोडेड विथ 10%, दिस 10% इज गिवन हियर, कि हर होल्ड जो है वो 10% तो लोड होना ही होना है, चाहे वो कुछ भी हो जाए, 10% से ज़्यादा हो इट इज़ ओके, कि हर होल्ड 100% लोड, हर होल्ड जो है 70%, 60%, 80% लोडेड है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कम से कम हर होल्ड में 10% कार्गो होना चाहिए, होल्ड मैक्सिमम अलाउबल। और इसको भी समझा देता हूँ, वो क्या करेगा, शैल नॉट, वो सेल नहीं कर सकता विथ एनी होल्ड लोडेड टू लेस देन 10% ऑफ द होल्ड मैक्सिमम अलाउबल कार्गो। तो इसने भी वही कहा है कि वो सेल नहीं कर सकता है कि इफ़ इट इज़ लोडेड लेस देन 10% ऑफ द मैक्सिमम अलाउबल कार्गो वेट, जो कि उसका कैपेसिटी है उसकी, व्हेन इन अ फुल लोडिंग कंडीशन आफ्टर रीचिंग 10 ईयर्स ऑफ एज, और वो 10 साल का भी होना चाहिए, मतलब 10 ईयर्स का बल्क कैरियर सिंगल हल। अगर वो क्राइटेरिया ये वाला मीट नहीं कर पा रहा है तो उसमें एटलीस्ट 10% तो लोड करना ही करना है, कि 10% हर होल्ड में लोड करना ही करना है। और उसके बाद क्या, द एप्लीकेबल फुल लोडिंग कंडीशन फॉर द रेगुलेशन इज़ अ लोड इक्वल टू और ग्रेटर देन 90% ऑफ द शिप डेड वेट एट अ रेलिवेंट असाइंड फ्री बोर्ड। तो उसमें जो मैक्सिमम है वो 90% तक ही हम कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सिंगल हल बल्क कैरियर 150 मीटर मोर इन लेंथ, जो हैवी डेंसिटी कार्गो उसी टाइम लोड कर सकता है जबकि उसका एक जो होल्ड है वो अगर ब्रीच हो जाए तो भी वो फ्लोट कर सके। और अगर वो 10 साल की एज का हो गया है, मान लेते हैं कोई 10 साल की एज अटेन कर लिया है, जनरली तो सिंगल हल बल्क कैरियर्स नहीं मिलेंगे हमें, बट अगर उसने 10 साल की एज अटेन कर ली है तो इट कैन ओनली गो और सेल विद दिस वन, कि 10% ऑफ द होल्ड मैक्सिमम कार्गो अलाउबल, मतलब 10% जो है वो ईच होल्ड में तो रहना ही रहना है, और मैक्सिमम वो 90% ऑफ द शिप डेड वेट, मतलब 90% ऑफ द समर ड्राफ्ट का वो कर सकता है, इट कैन लोड अप टू दैट वन। तो इसमें यू कैन रीड दिस वन वंस, इसमें रेगुलेशन नंबर 5। ओके, इसको एक बार और बता देता हूँ, ये सिंगल साइड है 150 डेंसिटी और विथस्टैंडिंग, अगर उसने 10 साल की एज अटेन कर ली है, 10 इयर्स की कोई किसी ने भी अटेन कर ली है,
तो इट कैन नॉट सेल विदाउट दिस थिंग। 10% ऑफ दी होल्ड जो है वो उसे लोड करना ही पड़ेगा, और मैक्सिमम इट कैन लोड अप टू 90%, इससे ज़्यादा। और जो 5.1 में लिखा है दैट इज़ बल कैरियर 150 मीटर इन लेंथ अपवर्ड सिंगल स्ट्रक्चर सिंगल डिजाइन टू कैरी द सॉलिड बल कार्गो डेंसिटी दिस मच एंड कंस्ट्रक्शन एंड हैविंग फुल स्ट्रेंथ फ्लडिंग विथ एनी वन कार्गो होल्ड। इसमें एनी वन कार्गो होल्ड लिखा है ना, वही वाला उसमें लिखा हुआ था कि अगर कोई भी एक अगर वो कर सकता है तो इट कैन, अदरवाइज जब वो नहीं कर पाएगा तो वो क्या करे भाई, जब वो नहीं कर पाएगा तो क्या करे, वो क्या करेगा, सिर्फ हर होल्ड में 10-10% लोड कर लेगा वो, और उसके बाद चला जाएगा। 10-10% मिनिमम उसे लोड करना पड़ेगा, विथ स्टैंड फ्लडिंग एंड विथ फ्लडिंग कंडीशन। ये वाला तो है, ये नया नया अमेंडमेंट आया है, इससे पहले था सिर्फ फॉरवर्ड का, तो फॉरवर्ड का हमें ज़रूरत नहीं, इट इज़ ऑलरेडी एब्सोल्यूटेड। तो ये 1999 के लिए आया है, वो 1996 के कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेसल्स के लिए था, ये 1999 में आया हुआ है। तो डायनेमिक इफेक्ट मतलब एनी वन होल्ड, ये लिखा है ना, एनी वन होल्ड टू द वाटर लेवल आउटसाइड द शिप इज फ्लडेड कंडीशन इन द लोडिंग एंड द बैलास्टिंग कंडीशन टेकिंग इन टू अकाउंट ऑफ द डायनेमिक इफेक्ट। तो ये वाला है बस। अब इसमें और क्या इम्पोर्टेंट है, इसमें ये रेगुलेशन नंबर एक इम्पॉर्टेंट है 11, कि वो लोडिकेटर की है हमारी, जस्ट टू शो स्ट्रक्चर्स 9, 10, 11, ये है लोडिकेटर का है कि लोडिकेटर चाहे बल कैरियर को, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इनग्रेस अलार्म लेवल डिटेक्शन, इसमें भी ये क्राइटेरिया लिखा है कि किस तरीके से, तो वी कैन, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इसको रेगुलेशन 14 को एक बार और मैं बता रहा हूँ, सिंगल हल बल कैरियर 150 मीटर और मोर लेंथ हैवी डेंसिटी कार्गो उसी टाइम लोड कर सकता है जब उसका कोई भी एक होल्ड अगर टूट जाए तो वो स्टेबल रहेगा, तभी वो लोड कर सकता है। अगर एक होल्ड जो है उसका टूट गया और वो स्टेबल नहीं मतलब डूब जाएगा तो क्या करे वो, तो वो ये करेगा कि होल्ड जो है वो 10% लोड करेगा, ठीक है, 10%, अगर वो 10% से कम नहीं करेगा, 10% से ज़्यादा ही रहना चाहिए हमेशा, और अगर 10 साल की एज उसने अटेन कर लिया तो 90% से ज़्यादा वो समर ड्राफ्ट से के 90% तक ही लोड कर सकता है, 100% तक नहीं जा सकता। अगर वो 10 साल का नहीं है तो वो क्या करेगा, वो 100% तक भी जा सकता है, अगर 10 साल का हो गया तो वो 90% तक जाएगा। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़ बीन हियर, और उसमें कम से कम 10% तो होना ही चाहिए हर में, नहीं तो इट कैन नॉट। सो इसमें ये वाले रेगुलेशंस ही इम्पोर्टेंट हैं, 5, एक 12 है, एक 11 है, और डेफिनेशंस डैमेज स्टेबिलिटी रिक्वायरमेंट, ये वाला एप्लीकेबल एप्लीकेबिलिटी डैमेज स्टेबिलिटी बुकलेट की, ये एडिशनल रिक्वायरमेंट है 16 चैप्टर 2 पार्ट 1 रेगुलेशन नंबर 4 में भी स्टेबिलिटी का दिया हुआ है। इसमें एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, ईटीए का अभी जो न्यू वन आया था कि नया नया वो, कि ईटीए में नया अमेंडमेंट क्या आया हुआ है, तो ईटीए में नया अमेंडमेंट तो कुछ 16 चैप्टर 2 रेगुलेशन 3-4, चैप्टर 2 पार्ट 1 रेगुलेशन 3-4, या हियर वी विल हैव, ये 4 जो है ये स्टेबिलिटी डैमेज स्टेबिलिटी बुकलेट है, ये रही डैमेज स्टेबिलिटी बुकलेट, जो कि 8 कार्गो शिप 80 मीटर इन लेंथ और अपवर्ड के लिए रिक्वायर्ड है, और पैसेंजर शिप रिगार्डलेस ऑफ लेंथ के लिए रिक्वायर्ड है। फिर इसमें ईटीए का रिक्वायरमेंट 3-4, ये इमरजेंसी टोइंग अरेंजमेंट एंड प्रोसीजर्स। तो इसमें एवरी टैंकर 20,000 डेड वेट एंड अबव, और ये सब लिखा हुआ है, इट इज़ ओके,
ये सब वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड ऑल्सो। इसमें नया रिक्वायरमेंट क्या हुआ था, न्यू अमेंडमेंट क्या हुआ था? न्यू अमेंडमेंट कुछ नहीं हुआ है, यही हुआ है कि जो 2002 के पहले वाली वेसल, जो द वेसल्स विच वर कंस्ट्रक्टेड बिफोर 2002, ये यहाँ पे ये जो 2002 का लिखा हुआ है, उसमें क्या था कि जो फॉरवर्ड हमारा ईटीए है दैट विल बी दैट कैन बी रिग्ड विद इन 60 मिनट्स का था, और पीछे वाले का 15 मिनट्स। अब क्या नया आ गया है कि जो 2002 के बाद की वेसल कंस्ट्रक्टेड हैं उनमें रैपिडली रिग्ड अप हो जाए, कि उसमें सॉरी रैपिडली प्लेस अप हो जाए, उस पर प्री रिग्ड हो, से प्री रिग्ड हो, पहले से रिग्ड हो, और उसे रैपिडली हम लोग डाल दें ईटीए को, कि वी कैन जस्ट टेक आउट द पिन और उसके बाद वो सीधा चल जाए, पहले से ही प्री रिग्ड हो, और इमिडिएटली जैसे रिक्वायर्ड हो वी कैन स्लिप ऑफ एंड वी कैन यूज़ इट, प्रोवाइडेड दैट इट इज़ प्री रिग्ड। सो जो प्री रिग है यही नया अमेंडमेंट आ गया है इसमें, कि नया क्या आया हुआ है, कुछ नया नहीं है, टीचर्स हमारे पुराने हैं तो वो नया बोल रहे हैं, बट इट इज़ ऑल वॉट इज़ देयर। तो यही बस एक नया आया हुआ था, नथिंग एल्स। तो ये 16 चैप्टर 12 और ये वाला, थैंक यू।